दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें क्रेन कुछ उठा रही है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है बल्कि ये टाइटन पनडुब्बी का मलबा है जो 5 लोगों को समुद्र के नीचे टाइटेनिक का मलबा दिखाने गई थी। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले टाइटन नाम की पनडुब्बी में 5 बिलीनियर समुद्र के 4000 मीटर नीचे टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। उस समय इस पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी। जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे ऐसे ही लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी थी कि टाइटन पनडुब्बी का क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही 96 घंटे का टाइम खत्म हुआ उसके बाद सभी की उम्मीद इस बात को लेकर खत्म हो गई थी कि जो पनडुब्बी के अंदर 5 बिलीनियर बैठे हुए थे उनकी जान तो नहीं बची है। और उस समय अमेरिका के कोस्ट गार्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 5 बिलीनियर की जान चली गई है। और उस समय अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पनडुब्बी एक्सप्लोर हो चुकी है। लेकिन उस समय अमेरिका के कोस्ट गार्ड की इन बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस समय अमेरिका के कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिया गया था। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया के सामने ही प्रूफ रख दिया गया है और साथ में अभी इस बात का भी पक्का सबूत मिल चुका है कि इस पनडुब्बी में जो 5 बिलीनियर सवार थे उनकी जान जा चुकी है क्योंकि इस पनडुब्बी के मलबे में जो 5 बिलीनियर बैठे हुए थे उनके शरीर के कई अंग मिले हैं जिनको अब डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही ये बात कंफर्म हो जाएगी कि दुर्घटना के समय ये लोग पनडुब्बी के अंदर थे या फिर पनडुब्बी के बाहर थे। लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि ये पनडुब्बी धमाके की वजह से फटी है या फिर ये पनडुब्बी खुद ही प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हुई है। अब इस बात को लेकर बात जांच की जाएगी जिसमें ये सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी कि उस समय इस पनडुब्बी में हुआ क्या था।